दोस्तों आज हम कंप्यूटर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों उस टॉपिक का नाम है सीमॉस। दोस्तों आप लोगों ने कंप्यूटर में कहीं ना कहीं सीमॉस के बारे में सुना होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को सीमॉस के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीमॉस से संबंधित उन सारी चीज़ों के बारे में डिक्लेयर करने वाला हूँ जो आपको नहीं पता। अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यादव पांडे, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज इसी तरह के नए नए वीडियो लेकर आता हूँ। और साथ ही साथ आप बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीमॉस का पूरा नाम, उसके बाद जानेंगे सीमॉस क्या होता है, उसके बाद जानेंगे अगर आपके कंप्यूटर के अंदर सीमॉस चिप में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको जो कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से एरर देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीमॉस के पूरे नाम से। दोस्तों जो सीमॉस का फुल नेम होता है वो होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, सीमॉस का पूरा नाम होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमॉस क्या होती है? सीमॉस एक चिप होती है। ठीक है, सीमॉस क्या होती है? सीमॉस एक चिप होती है जो कि मदरबोर्ड पर फिट होती है। सीमॉस क्या है? एक चिप है जो कि मदरबोर्ड पर क्या होती है? फिट होती है। चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं। दोस्तों जब भी हम अपने कंप्यूटर में बायोस का कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो बायोस के कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको चेंज करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि उसके अंदर जब भी हम बायोस के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं तो उसकी जो सेटिंग होती है उसको बायोस के चिप में स्टोर ना करते हुए हम सीमॉस के चिप में स्टोर करते हैं। ठीक है, कहाँ पर स्टोर किया जाता है? उस कि जो सेटिंग होती है उसको सीमॉस चिप पर स्टोर किया जाता है। सेटिंग को कहां पर? सीमॉस चिप में स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बायोस का बात आ गया तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि बायोस क्या होता है। ठीक है, जो बायोस होता है उसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, अब बायोस क्या करता है? दोस्तों जब भी हम कंप्यूटर को ऑन कर लेते हैं या उसे रिस्टार्ट कर लेते हैं तो क्या करता है बायोस? उसके अंदर उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कनेक्टेड है उस कंप्यूटर से, तो बायोस क्या कर लेता है? उसे एक बार चेक कर लेता है, उसे एक बार क्या कर लेता है? पूरे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को चेक कर लेता है, जिसे हम पोस्ट की क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? पोस्ट कहा जाता है, जिसका पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बायोस से ही पता करता है क्या उसके अंदर जो भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कनेक्टेड है वो क्या सही रूप से कनेक्टेड है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो बायोस क्या करता है? एक कोड जनरेट करता है। ठीक है, बायोस क्या कर लेता है? एक कोड जनरेट करता है जो कि बीप की साउंड होती है। ठीक, बायोस क्या कर लेता है? अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ी है, उस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ गड़बड़ी है, तो बायोस क्या कर लेता है? एक कोड जनरेट कर लेता है और वो कोड क्या होती है? एक बीप की साउंड आती है। ठीक है, तो ये तो हो गई बायोस की बात। तो चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं सीमॉस के बारे में। ठीक है, सीमॉस जैसे कि मैं आप लोगों को बताया, सीमॉस क्या होती है? एक चिप होती है। ठीक है, और जो सीमॉस चिप को पावर देने का कार्य कौन करता है? सीमॉस बैटरी। सीमॉस चिप को पावर देने का काम कौन करता है? सीमॉस बैटरी। अब सीमॉस बैटरी क्या होती है? ठीक है, सीमॉस बैटरी क्या होती है? ये सीमॉस जो बैटरी होती है वो कंटिन्यू सीमॉस चिप को पावर देता है। अब पावर क्यों देता है सीमॉस बैटरी? सीमॉस चिप को पावर क्यों देता है? ठीक है, तो चलिए मैं इसका एक रीजन बताता हूं।
दोस्तों जो सीमांश चिप होती है उसमें ड्राइव रहता है और साथ ही साथ उसमें डेट एंड टाइम होता है, ठीक है। अब ये सीमांश चिप को पावर देने का काम कौन करता है? सीमांश बैटरी दे रहा है, ठीक है। तो सीमांश बैटरी कंटिन्यू सीमांश चिप को पावर दे रहा है ताकि उसके ड्राइव है या उसमें जो डेट एंड टाइम है उसमें किसी भी प्रकार की चेंजेस ना हो, उसमें किसी भी प्रकार की एरर ना हो, ठीक है। अगर मान लो हमारा जो सीमांश बैटरी है वो खराब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसके जो ड्राइव है उसमें इफेक्ट पड़ेगा, उसके डेट एंड टाइम में भी इफेक्ट पड़ेगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब भी अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो कंप्यूटर सिस्टम में डेट एंड टाइम होता है वो गड़बड़ बताता है, वो पुराना बताता है, वो पहले का समय को बताता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके कंप्यूटर में जो सीमांश बैटरी लगी हुई है वो क्या है? खराब हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें कौन सा बैटरी लगता है? तो उसमें बैटरी लगता है CR2032 की एक बैटरी होती है जिसकी लाइफ कितने साल की होती है? इसकी लाइफ होती है 10 साल की, ठीक है। ये मैक्सिमम 10 साल तक चल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर की प्रकृति अच्छी है तो 10 साल तक चले जाएगी, या अगर आपके कंप्यूटर की प्रकृति ठीक नहीं है तो पहले भी खराब हो सकती है, ठीक है। तो मेन रीज़न क्या है? जो सीमांश चिप होती है उसको पावर देने का कार्य कौन करती है? सीमांश बैटरी देती है जो कि CR2032 की एक बैटरी होती है, जो शायद आप लोगों ने देखा होगा एक गोल बैटरी होती है जो कि मदरबोर्ड में फिट किए जाते हैं या मदरबोर्ड पर लगी होती है। तो इसकी जो पावर होती है वो मैक्सिमम 10 ईयर की होती है। उससे शायद वो आपके कंप्यूटर की प्रकृति पर डिपेंड करता है, शायद ज़्यादा भी चल सके या फिर पहले भी खराब हो सकता है, ठीक है। ये तो होगी सीमांश चिप के बारे में। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं, अगर आपके सीमांश चिप या सीमांश बैटरी फेल हो गया तब क्या होगी? अगर आपके कंप्यूटर में जो सीमांश बैटरी है वो फेल हो गया तब क्या होगी? जो आपके जो कंप्यूटर में सीमांश चिप है उसका बूटिंग सेक्टर पर प्रभाव पड़ेगा और उसकी सेटिंग को क्या करना पड़ेगा? अगर सीमांश बैटरी फेल हो जाती है तो आपको उसकी सेटिंग को रिस्टोर करना पड़ेगा। और आपको कैसे पता चल जाएगा कि हमारी जो कंप्यूटर है उसमें सीमांश बैटरी खराब हो चुकी है? तो इसका मैं कारण बताता हूँ। आप जब भी देखेंगे अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे या फिर उसे रिस्टार्ट करेंगे तो आप लोगों ने उसमें देखेंगे, उसमें आप लोग देख लेना, इसमें जो डेट एंड टाइम होती है वो चेंज हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे कंप्यूटर में जो सीमांश बैटरी लगी हुई है वो क्या हो चुकी है? अब खराब हो चुकी है, अब काम करने के लायक नहीं है। तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे? आप उस बैटरी को चेंज कर लीजिए, ठीक है। उस बैटरी को चेंज कर देंगे तो क्या करेगी? वो आपके जो सीमांश चिप है वो प्रॉपर रूप से वर्क करेगी। दोस्तों ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जिसको मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। दोस्तों यह वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर दे। और आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।